अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूँ अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्प्लिटर का यूट्यूब चैनल। भाईजान, आज बड़ा जबरदस्त दिन है क्योंकि एक ऐसा यंगस्टर जो कि बिल्कुल मुझे छोटा सा बच्चा लग रहा था, बिल्कुल मम्मी डैडी से लग रहा था, और ऐसा बच्चा लग रहा था कि जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं नफीस से, लेकिन इस बच्चे ने कुछ पिछले दिनों में मैंने इनका काम ऐसा देखा कि मीन्स मैं बड़ा इनसे इम्प्रेस हुआ कि यार अगर बंदा थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करे और संजीदगी से काम करे तो यूट्यूब, टिकटॉक और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर बड़ा साफ़ सुथरा, संजीदा और डिसेंट काम करके भी इंसान ना सिर्फ मशहूर हो सकता है बल्कि अच्छी खासी अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा के कमर्शियल लेवल पे भी खुद को प्रेजेंट कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पर हैं जलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? थैंक यू सो मच। मैं डर रहा था आप जलालुद्दीन से आगाज़। जलालुद्दीन जो है ना वो देखें, उस पर आपको बात ना कीजिएगा, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। जलाल रहमान बिल्कुल जलाल रहमान। जलाल भाई काफ़ी ज़्यादा हिट हैं टिकटॉक पर और इनकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि ये एक ब्लैक एंड वाइट वीडियो को ना उसमें रंग भर देते हैं। एक ऐसी वीडियो जिसमें मतलब एक आम बंदे को देखने के लिए कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उस वीडियो में इनका वॉइस ओवर जाता है और इनका तजिया जाता है तो उस वीडियो को ना सिर्फ देखने का मज़ा आता है बल्कि इंसान उस प्लेयर के बारे में भी सोचना शुरू हो जाता है कि जिसके बारे में ये वीडियो बना रहे होते हैं। सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करें कि ये आइडिया कैसे आया कि जी लोगों की वीडियो की बात करनी है। और लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग कौम ऐसी हैं कि हम लोग तनकीद करना पसंद करते हैं, तारीफ करते हुए हमें मौत पड़ती। Exactly. तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? इस फील्ड में ऐसे आया कि वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है।